मानयोग स्पीकर साहब, मानयोग मेंबर साहब, जिन्हें भी मैंबरान इस पवित्र सदन दे ने, पहली बार मैं बजट स्पीच ते बोल रहा। हालांकि बजट बारे लोग सभा च काफ़ी भाजपा साहब राज्यसभा च हुंदे सी बोलते रहे, पर विधानसभा च पहली बार मौका मिले। बहुत बहुत इस गल लई मैं पंजाब दे सूझवान लोगों का, वोटरां का धन्नवाद करदा कि उन्होंने भरोसा किया एक इहोजी गौरमेंट ते, एक इहोजी टीम बना के इत्थे भेजी है कि शायद जो 75 साल च नहीं हो सकिया, हर 5-5 साल बाद उम्मीदां ला के फिर बह जांदे सी, शायद कोई बदलाव आ जाए। सो असी लोगों के लिए वचनबद्ध जो असी वादे करके आए हैं। पहली बार तो मैं बधाई देनी चाहूँगा फाइनेंस मिनिस्टर साहब नूं, जिन्होंने इन्ना शानदार लोक पक्षी लोगों का अपना बनाया हुआ बजट पेश किया है, जिदे कमी कढ़न वास्ते भी शायद आपोजिशन वाले काफ़ी मत्था मारना पिया हो कि कोई तो देखो कुछ यार कुछ तक नहीं हो, क्योंकि असी हैल्थ एजुकेशन बारे गरंटियां दित्तियां सी, असी हैल्थ एजुकेशन उपर लेके जाना चाहते हैं, असी बिजली की गरंटी दित्ती सी, पैसे जितों मर्जी लईए 300 यूनिट फ्री होणगे, असी इन्ना वांगू ये कहा नहीं कर देंगे, असी इन्ना वांगू ये नहीं कहा कि 36,000 कामे किते पक्के, जो पता लग्या कहते राजपाल को फैल पई है, फिर लिखने की लोड़ सी, ऐ लिख देंदे बसा के पिछे कि 36,000 की फैल राजपाल नूं भेजी ना किते पक्के, आजगे आज अगर खैर साहब आज चुप करके सुन लो, हम कृपा करके ना हम एक बार है ना सुन दी हाथ पाओ गल ते पता करा लो, आ पता करा लो ना करो सर तुसी इदा किवें बोल सकते हो जो तो मैं बोल रहा। मैं मानयोग खैरा साहब इस तरह नहीं इंटरप्ट नहीं आऊंगे जी, सीएम साहब खैरा साहब इंटरप्ट नहीं करना किसी ने भी, मानयोग मुख्यमंत्री साहब इंटरप्ट नहीं करना, असी लोगों लिए वचनबद्ध हां गल नोट कर लियो, अज स्पीकर साहब मैं सारे हाउस दसना चाहना, जेडे अपने भाषण दे विच हर तीजी गल अंग्रेजी च बोलते ने जेड़े भी ने जेड़े लोगों नूं नहीं कहिंदे लोगों नूं, लोग हिंदी का लफज है, लोग पंजाबी का लफज है, शायद अज तो बाद बदल जाण, लोगों ने कहा पंजाबी की गल करदे साडे नाल, साडे नाल पढ़ के सनावरां च पढ़ के दूना च ते साडे सरकारियां नूं सानूं तुसीं पंजाबी सिखाओगे? तुसीं खरा साहब तुसी बोलो भाजपा साहब प्लीज, तुसी एलो पी हो सर, कृपा करके इन्होंने सैल कटो, सीट ते बैठो तुसी, सर सीट ते बैठो, खरा साहब अपनी सीट ते जाओ प्लीज, सारे मेंबर सभा नूं बेनती है अपनी अपनी सीट ते जाओ, अपनी अपनी सीट ते जाओ, ठीक है जी। सर तुसी प्रधान हो इधर, कृपा करके सो जी कहिंदे फलाने नूं तुसी राज्यसभा च भेजता उन्हूं पंजाबी नहीं आउंदी, मैनूं इह दस दिओ अंबिका सोनी दे 10वीं चों पंजाबी च किन्ने नंबर आए सी, तुसी दिल्ली वालिआं नूं मक्क नूं लिआ के हरियाणे वार तां हरा लिया, हरियाणे वाले नूं राजस्थान लै गए, यूपी वालिआं नूं छत्तीसगढ़ वालिआं नूं बिहार वालिआं नूं महाराष्ट्र लै गए, मनमोहन सिंह जी पहला आसाम तो रहे, वो तो बाद अगली टर्न वास्ते एक वधिया मौका सी कि इतों पंजाब तो होंगे नहीं, फिर वो राजस्थान च गए, मतलब
ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਸਰ, 7 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੇਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਲਾ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਸਰ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਹਾਰੀ ਹੋਈ, ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ, ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰੇ ਹੋਏ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰੇ ਹੋਏ, ਸਰਪੰਚੀ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ ਲੋਕ, ਇੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਹਾਰਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਨਾ ਨਾ ਛੇੜੋ, ਬੋਲ ਲੈਣ ਦੋ, ਬੋਲ ਲੈਣ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਰਨਿੰਗ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਜੀ, ਚੇਅਰ ਜੀ, ਸਰ ਰਨਿੰਗ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸਰ ਰਨਿੰਗ ਕਮੈਂਟਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਨਿੰਗ ਕਮੈਂਟਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਵੀ ਚੇਅਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਾਲਜ ਸੁਨਾਮ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੈਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਰ ਰਾਈਟਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਸਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ, 4 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਬੰਦ, ਉੱਥੇ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਨੇ, ਆਓ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਤੀ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ 5-star ਹੋਸਪਿਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇ ਪਾ ਲਏ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਮਰੋ। ਸੇਮ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਲਓ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਖਤਮ, ਆਓ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਓ। ਆਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਏਸੀ ਵਾਲੇ, ਆਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਅਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਨੇ, ਆਓ ਜੀ ਫੀਸ ਦਿਓ ਇੰਨੀ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਨਹੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲੋ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ 'ਚ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਹੀ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਝੱਲਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਅੱਜ ਵੀ ਬਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਾ ਹਾਸੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਹੋਵੇ। ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਗਰੀਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀਆਂ ਨਾਲ,
ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹਸਾਈਏ ਫਿਰ। ਸਮਾਜ ਹੱਸੂਗਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਆਪਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਬਸ ਕਰੋ ਜੀ ਹੁਣ। ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਨੀਅਤ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 14 ਚ ਲੜੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਛਾਪਿਆ ਉਹਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਫੋਟੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਪਈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਨੇ, ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾਲ, ਜੇ 19 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਲੱਖ ਲਾਣਤ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ 19 'ਚ ਫੋਟੋ ਐਂ ਸੀ ਸਰ, ਕੰਮ ਬੋਲਦੇ ਸੀ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਵਾਰੀ, 7-7 ਵਾਰੀ MLA ਬਣ ਗਏ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਘਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਤਾਂ ਗਏ ਪਰ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਚਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈੱਕ ਇਸ ਤਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਲੈ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਅਸੀਂ ਬੇਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਹੋ ਲਾਈਵ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਲਾਈਵ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੜਕੜਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ। ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫਰਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, 4 ਇੱਧਰਲੇ ਧੜੇ ਦੇ ਨੇ, 5 ਇੱਧਰਲੇ ਧੜੇ ਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਆਹ ਨਾ ਬਦਲੋ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦਰਦ ਖਾਸਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ ਇਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸਰ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਖੂਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਚਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਚੀਰ ਕੇ ਫੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਖੂਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਖੂਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਚਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਚੀਰ ਕੇ ਫੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪ ਲੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
आ हालत है सर, हुण मेला देखना पै रहा, लुट्टे कोई होर जांदा है, दुख बार बार आउंदा फिर दुख। सो इस करके सरकार कोले 92 MLA दा मैंडेट है, असीं मैंडेट मुताबक कम करांगे। विरोध करन वास्ते जे विरोध करना करी जाओ, सानू उहदी कोई असीं परवाह नहीं करदे, असीं लोकां दे नाल हां। और सारे पॉइंट्स जिहड़े ने अमन जी ने साडे बुला रहे ने, सारिया ने FM सामने सारे दसते ने कि किन्ना किन्ना, मैं ज़्यादा डिटेल च नहीं जाऊँगा। हाँ मैं दो शेर सुनाते, इतों मैं याद आ गया, इदू पहला 5 साल बजट घट हुंदा सी, मशायरा ज्यादा हुंदा सी। सो साडे तां FM ने सिर्फ एक शेर बोलिया आपकी सारी स्पीच 2 घंटे दी च। सो है जी, हाँ जी तुहाडे भी तुहानू तां प्यार ही बड़ा मिलिया उधरों। सो मैं ये कहना कि ठीक है, शायरां दीआं बहुत वड्डी वड्डी गल्लां लिखियां होईआं ने साडे दरम्यान। अज पंजाबी दे ऐसे गीतकार जिन्हां नूं 3-4 पीढ़ियां सुन सुन के वड्डियां होईआं, बाबू सिंह मान मराड़ा वाले मौजूद ने, राइटर भी ने और राजनीति नूं समझदे ने। सो शायरां दा वड्डा योगदान है साडे पंजाब दी तरक्की च, कलाकारां दा, लेखकां दा, बुद्धिजीवियों का, NGO वालों का। सो पंजाब नूं जे पंजाब बनाउणा तां सारिआं नूं रल के दुबारा मुड़ के सिर जोड़ के बैठना पऊगा। मैं तो जिथों मैनूं सलाह मिलती है मैं लै लैंदा, मैं नहीं कहिंदा कि मैं हुण मुख्यमंत्री बन गया तो मैनूं हुण दस्सिओ ना, पर मैं ही दस्सूंगा तुहानूं। नो, सिख्यार्थी बनो, विद्यार्थी रहो, की पता छोटा जिहा बच्चा एक कोई कम की गल दस जे। सो मैं अपोजिशन दे जिन्ने भी लीडर साहबान बोले, कमियां भी दसियां उन्होंने, वधिया मित्र उही हुंदा जो कमी दसे, पर जिहड़ा कलियां कमियां दसे फिर वह मित्र नहीं हुंदा। थोड़ा जिहा अप्रीशिएट भी करना चाहिए यार, आह तां ठीक है पर इह चों आह ठीक नहीं। सो असीं वो कल्ले कल्ले मैंबर दे ग्रीवेंसिस का जवाब भी दिता है। और मालिया बधाउणा है, करजा घटाउणा है। देखो जे तुहाडा बेटा तुहाडे तों मोटरसाइकिल मंगदा, जिहदा तुसीं हैगे हो कपैसिटी च भी लाणेदार हो, तुसीं कबीलदार हो, तो हैगी है मोटरसाइकिल लैण दी कपैसिटी, तां लै दिओगे, उहदा शौक पूरा हो जूगा। पर जे करजा लैके मोटरसाइकिल लैके दिओगे, समझ लो घर बर्बादी वल तोर लिया तुसीं। यही करते रहे पिछलियां सरकारां वाले, करजा लैके आ आ आ, असीं करजा नहीं लैणा, असीं इत्थों ही आपदे आपदे स्रोतां नूं ही ठीक करांगे। 3400 करोड़ रुपया साडा एक्साइज चो आऊगा, माइनिंग चो आऊगा, होर लीकेज बंद होगी, तो GST चो असीं अज निर्मला सीतारमन जी उत्थे आए हुए सी, मैं भी गया सी उत्थे। सो बहुत सारा पैसा असीं ल्यावांगे ते उही पैसा लोकां ते लावांगे। इस करके ये गल पुछण दी आदत छड्ड देनी चाहीदी है हुण विरोधी पार्टियां नूं कि पैसा कित्थों लियाओगे, पैसा कित्थों लियाओगे, काफ़ी पैसा तां इन्हां चों ही आऊगा, काफ़ी पैसा पिया इन्हां कोले आऊगा, लगे हुए हैं कागज कढ़न लगे हुए हैं। जदों असीं कोई पता लगता, पहली गल तो यह असी किसी का नाँ नहीं लिया, ले 2-3 एवें हाई कोर्ट जा बड़े कहते सानू फड़न तो पहला 7 दिन पहला दस्यो जी, लै उन्हें सानू याद कराता, अच्छा इन्हू फड़ो फिर यार, की करता है की रहा है। सो चोर दे दिल च पाला हुंदा जी, पहले ही जाके हाई कोर्ट नूं कह दिंदे ने, हाई कोर्ट कहिंदे तैनू किने फड़िया, कि FIR दस लिया दस। सो इस करके वो गल सीगी कि एक घर दे विच चोरी हो गई, चोरी हो गई तो उन्हें बोरे बोरी च भांडे पाए चोर ने, तो कंध ते रख ले, कंध टप्पण लग्या तो बोरी घर वाले पासे डिग पई, आप इधरले पासे डिग पिया, भज गया, रौला पै गया।
सवेर नूं कट हो गया पंचायत दा, तां कोई कहिंदा किवें कीती हो चोरी किवें, हुण जिहड़ा चोर सी ओह वी उत्थे आ गया कट च, ओह कहिंदा मैं दसदा किवें कीती हो चोरी, कहिंदा पहलां तां उहने बोरी बिछाई हो इत्थे, उहदे बाद उहने भांडे पाए होने विच, पहलां थाल पाए होने फिर पतीले कक्का भांडे पा के, कहिंदा बोरी बन ली होनी, अच्छा बोरी बन के कहिंदा उहने चक ली होनी मोढे ते, अच्छा फिर उहने कंध ते धरती होनी, अच्छा फिर कंध ते धर के जदों कहिंदा उहने परले पासे आप उतर के बोरी नूं खिचने की कोशिश की, बोरी इधर डिग पी, मैं इधर रह गया, उन्हें आप ही दसता मैं, वो कहते आ जा फिर सो वो गल है कि मैनू फड़न गए हुणे, ये आप ही दसी जांदे है क्योंकि चोरियां इन्नियां कीतियां होईयां ने, खजाना ही इन्ना लुट्टिया होया कि संभालिया नहीं गया, जिवें पहलां भी कहा गया कोई ब्यूरोक्रेट होवे, कोई पोलिटिकल रसूखदार बंदा होवे, साबका होवे, मौजूदा होवे, साडा होवे, उधरों होवे, अज महाराजा रणजीत सिंह जी की बरसी है, अज दे दिन मैं हाउस नूं कह रहा हाँ वोटां बहुत लईयां गईयां महाराजा रणजीत सिंह वर्गा राज देवांगे, ते महाराजा रणजीत सिंह दा राज की सी, महाराजा रणजीत सिंह जी भेस बदल के लोगों के घर जाके कन्न ला के सुनते सी गल्लां कि मेरी परजा कि मेरी मेरी मेरे तो बाद दुखी तो नहीं, कि गलों दुखी है मैं वह हल करदा, वो भी रहे है महाराजा रणजीत सिंह दा राज देने वाले, वो भी कन्ना कंधा को कन्न ला के सुनते रहे, पर यह सुनते रहे किसी के घर कोई चार रुपये पांच रुपये रहे तो नहीं, किसी के घर नशा कनियों कोई स्मैक भेजन कनियों कोई घर बचता नहीं गया, अज महाराजा रणजीत सिंह जी बरसी है जिन्हां दे राज बारे कहा जाता सी कि जे कुत्ते दे गल च कैंठा पा दोगे सोने का सवेर नूं उसे कुत्ते दे गलों कैंठा मिलता सीगा, सर आ राज सी उन्हां दा, सो असीं अज महाराजा रणजीत सिंह की बरसी ते यह हाउस पवित्र हाउस नूं मैं कहना चाहुंदा कि असीं उन्हां वर्गा नहीं राज दे सकदे, उह तां बहुत वड्डे जरनैल सी जी, किड्डियां किड्डियां लड़ाइयां उन्होंने लड़ियां, पर हाँ उन्हां दे कदमां ते चलांगे, चाहे साडा है चाहे किन्ना है, जिहड़ा मर्जी है जोड़ा जिहड़ा भी रसूखदार है कोई फरमायश हो असीं नहीं मननी कार्रवाई होगी, इहदा मतलब यह नहीं हैगा, इहदा मतलब यह नहीं हैगा किसी वड्डी सत्ताधारी पार्टी शामिल होकर तुसीं बच जाओगे, है ना उहदे नाल की संबंध है जी, वह थोड़ा अपना निजी फैसला, उधरों भी आउणगे इधर नूं जेलां वाले पासे नूं, और वधिया गल कही बाजवा साहब बहुत सीनियर ने और पा दूरदर दृष्टि वाले बंदे ने, इन्हां नूं पता है कि साडे आलां दा हाल की है, इस करके कह रहे ने कि जेलां ठीक कर दो, जेलां ठीक कर दो, बस जाना साडे आलां नहीं उत्थे, हाँ नहीं नहीं बहुत प्रॉपर मिलेगा तुहानूं रोटी रुटी का दाल दूल का सब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, पर घट्टो घट पंजाब दे लोकां दा एक एक पैसे का हिसाब लिया जाऊगा, पंजाब दे लोकां दे लुट्टे हुए एक एक पैसे का हिसाब लिया जाऊगा, ब्याज लिया जाऊगा, तो जिहड़ी भी बेनामी प्रॉपर्टी पहाड़ों के पहाड़ खरीदी बैठे है सारी लोगों के सामने पेश करांगे, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है चाहे पंचायत डिपार्टमेंट की है जिहड़े मर्जी डिपार्टमेंट की है, गरीबों नूं तंग नहीं करांगे सर, जिहड़े गरीब SC BC जिहड़े गरीब रहिंदे ने कई सालों तो असीं आबादी जां आबादकारां नूं बिल्कुल तंग नहीं करांगे, कुछ मेरे कोल कल फोन भी आए बजट बारे कि जी महिलावां नूं जिहड़ा 1000-1000 रुपये का वादा किया वह कदों पूरा कर, मैं अज हाउस के दसना चाहुंदा कि मैं सोर्सिज इकट्ठे कर रहा, डाटा बन गया सारा किन्ने पैसे ने, ते जदों सोर्सिज साढ़े कंप्लीट हो गए सब तो अगली गरंटी जिहड़ी है चाहे वह 2 महीने हो जाए 4 महीने हो जाए सब तो अगली जिहड़ी स्टैप हो गया साडा वह महिलावां नूं 1000 रुपये देने वाला, क्योंकि बाकी जिहड़ियां ई गवर्नमेंट वल असीं वधे आ लर्निंग लाइसेंस ई तो पोर्टल ते बन जाणगे आने वाले दिनों च, बहुत
होर भी जिहड़ियां सुविधावां जमाबंदी दी होगी फर्दां हो गईआं वो ऑनलाइन हो गईआं जिहड़ी जिहड़े हाउस दे विच आपां बैठे हां अगले सैशन तो पहलां इत्थे वायरिंग चल रही है हुण तुहानूं एक नवीं विधानसभा देखण नूं मिलेगी सामने स्क्रीन लगी होगी इत्थे टच स्क्रीन होगी सब कुछ उच अपडेटेड होगा कोई 2:30 बजे तुहाडे घर दी बैल मार के कोई सवाल ना दे जवाब जां सवाल नहीं देके जाऊगा इत्थे पिया होगा सारा कुछ जिवें प्लेन दे विच लगी हुंदी है ई विधानसभा आपां कर देणी है अपडेट और मॉडर्न क्योंकि दुनिया बदल गई असीं अजे उत्थे खड़े हां अमरीका वाले मंगल ग्रह ते प्लाट कट्टण नूं फिरदे आ सानूं सीवरेज तक ही रख्या होया जे सोए छप्पड़ सीवरेज सड़कां टोबे ये जिहड़ियां लोकां लई बहुत वड्डियां मुश्किलां बना दित्तियां गईआं जदकि जे गवर्नमेंट काम करन ते आवे सब कुछ ठीक हो सकता है सीचेवाल साहब साडे राज्यसभा दे मैंबर ने अजकल जिहड़े टोबियां दा पाणी साफ करके उन्हूं खेतां च लैके जाया जांदा उन्हां टोबियां दा नाम ही सीचेवाल मॉडल रख्या होया असीं उन्हां नूं राज्यसभा च भेजिआ कि उत्थे जाके वातावरण पोल्यूशन वास्ते आवाज उठाओ अपर हाउस है वो अपर हाउस भेजिया सी उन्होंने उदू पहला भी उन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मैंबर बना के रख्या है पर पोल्यूशन कंट्रोल बाद च करते हैं पहला सीचेवाल जी से कंट्रोल जरूर रख्या है भी तू नहीं हूँ कुछ करना नहीं तो फैक्ट्रिया वाले अपन फंड देना हट जाएंगे ये नहीं चलना हार्ड डिसीजन लेने पैणगे लवेंगे पर वातावरण लई पंजाब दे पानी लई पंजाब दी धरती लई पंजाब दी हवा लई असी कोई समझौता नहीं करांगे थानू देखो सिर्फ बाजवा साहब जदों अपना लॉकडाउन लग गया लगभग 24 मार्च सी हाउस चल रहा सी उस वेले लॉकडाउन दा ऐलान हो गया 10 दिन मैं भी दिल्ली रहा क्योंकि बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो गया सी कि बॉर्डर ही नहीं क्रॉस कर सकते मैं 10 दिन बाद पंजाब आया 11-12 दिन बाद देखो जदों लॉकडाउन लग्या चिड़ियां तोते वो जानवर जिहड़े कदे देखे नहीं सी वो अपने घर के मूहरे उड़ के जाते ते अपन ये कह के जाते हुण ठीक हो नेचर ना छेड़छाड़ करते हो बह गए ना घर चो आ फिर सी याद सानू नहीं करोना होंदा जलंधर तो तुहानू एवरेस्ट दियां जिहड़ियां पहाड़ियां दी बर्फ दिखण लग गई सी इहदा मतलब जे 10-12 दिन च हो सकता है फिर आपां पोल्यूशन नूं कंट्रोल करके क्यों नहीं कर सकते पंजाब च तुहानू असीं करके दिखावांगे ये मैं हाउस दे विच कहना सर सो चिड़ियां भी घुग्गियां भी कटारां भी जिहड़ियां पात्र साहब का एक शेर है कि इत्थों मेघ आउंदे भी मुड़ गए इत्थों पंछी सारे उड़ गए इत्थे दरख्त भी करन अजकल किते होर जाण दे मशवरे साडे पंछी असी उन्हां दे घर पाउण दीआं जगह असी नहीं छड्डियां स्प्रेयां कर करके खेतां च नहीं किते रह सकदे हो आए अपने नाल ही सीगे पर कुदरत नाल छेड़छाड़ नहीं होनी चाहीदी बाकी थोड़ा जा क्योंकि 75 साल की ताणी उलझी हुई है उन्हूं 100 दिन च जा 5 महीनों 4 महीनों च नहीं सुलझाया जा सकता पर लगे हुए हैं नीयत सच्ची है पात्र साहब का शेर है की होया जे पत चढ़ाई तू अगली रुत्त विच यकीन रखी मैं लभ के लियाना कितों कलमा तू फुल्लां जोगी जमीन रखी कलमे लभ लांगे फुल्लां जोगी जमीन बचे ऐसे धरती ते भंगड़े पैणगे सर ऐसे धरती ते गिद्धे ऐसे धरती ते कबड्डियां ऐसे धरती ते हाकियां क्रिकटां ऐसे धरती ते मेले लगणगे ते दमामे मार दे जट जिहड़े मेले जाणगे क्योंकि असीं खेती जिहड़ी है उहनूं प्रायोरिटी ते ठीक कर रहे हैं खेती दे नाल इंडस्ट्री जुड़ी हुई है बहुत सारी एग्रेरियन इंडस्ट्री स्टेट है इंडस्ट्री भी एग्रेरियन बहुत जुड़ी हुई है सब कुछ ठीक होगा सो मैं तुहाडे जरिए धन्नवाद करदा जिन्हां ने इस इतिहासिक डिबेट दे विच हिस्सा लिया
और नाल एक गल जरूर कह दिना अखीर दे विच कि अपने वालों तो दरिया बड़े घर जाता है पर समुंदर दे विच जाके वो मर जाता है। अपने वालों तो दरिया बड़े घर जाता है पर समुंदर दे विच जाके वो मर जाता है। गर्दन सीधी रखण दा मुल तार रहे हां जनाब, बेशर्मा दा तां नीवी पाके भी सर जाता है। सो मैं तजवीज करदा कि बजट जिहड़ा है वह लोक पक्षी है ते साडी सरकार लोगों नाल जिहड़े वादे कीते ने उन्हां नूं पूरे करने लई वचनबद्ध है। कोई भी आके सुझाव भी दे सकदा है, असीं बहुत पब्लिकली ओपन हाँ। सानू कोई भी, मैं तां गड्डी जदों बाहर निकलती है सीएम हाउस चों कोई खड़ा होवे मंग पत्र लैके, मैं गड्डी रोक के मंग पत्र भी उहदा लैके दस दिना कि तैनू अज शाम नूं फोन आ जाऊगा, क्योंकि अद्धा दुख तो सुनने नाल ही टुट जाता है। पर इदों पहलां दुख की गल है कि नहीं सुनिया गया, नहीं सुनिया गया तो फिर वह लोगों ने नहीं उन्होंने सुनिया, वह नहीं आए इत्थे। ते बाकी मैं बहुत बहुत तुहाडा भी धन्यवाद करना, तुसीं लंबा समा डिबेट करवाई और हर एक पक्ष नूं हर एक पार्टी नूं मौका दिता। मैं BSP, मैं अकाली दल, मैं कांग्रेस, आजाद उम्मीदवार ने BJP, मैं सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करना कि तुसीं लोकतंत्र नूं, जे तुसीं ना हुण देखो फस्ट आने वाले सब तो वड्डा योगदान, मैं कहना हुण अक्सर कि फस्ट आने वाले अहंकार नहीं करना चाहिए, फस्ट आने वाले सब तो वड्डा योगदान सैकंड ते थर्ड आल दा हुंदा, जे उह ना हुंदे मुकाबले नहीं होना सी। सो इस करके सैकंड ते थर्ड आलां दे मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा ते पंजाब दे लोकां दा इस गल्लों धन्यवाद करदा कि सानूं उन्होंने फस्ट किते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।